नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं बॉलीवुड की खबर लेकर। दरअसल क्या कुछ खास लेकर आए हैं इस खबर के अंदर आपके लिए, चर्चा करेंगे आप एक ऐसे कपल की जिनके रिश्ते टूटने की कगार में हैं। यानी एक ऐसा कपल जो काफी दिनों से साथ तो रह रहे थे लेकिन साथ रहकर भी साथ नहीं थे। आखिर क्या मामला है उनके बीच, क्या कुछ द्वंद चल रहा है उनके बीच, इन तमाम बातों से आपको अवगत कराएंगे, बताएंगे कि आखिर उनका रिलेशनशिप टूटने की कगार पे क्यों है। जी हाँ, बात करेंगे नुसरत जहां की। वो बॉलीवुड से तो जुड़ी ही हैं, साथ ही साथ वो राजनीति से भी जुड़ी हुई हैं। और दूसरे उनके साथी हैं जो निखिल जैन हैं, जिनसे उनकी शादी हुई थी, उनसे रिश्ते उनके टूटने वाले हैं। तो क्या कुछ है इन दोनों के बीच, क्यों मीडिया में इतनी गर्मजोशी से इतना गर्म मैटर है ये, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आइए देख लेते हैं क्या मामला है। दरअसल नुसरत जहां का जो मामला है ये काफ़ी समय से चलता आ रहा है, काफ़ी सुर्खियों में रहा है इन दोनों के बीच का मामला। तो अभी जानते हैं कि इन दोनों के बीच फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। दरअसल सांसद नुसरत जहां से किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते हैं उनके पति निखिल जैन। जैसा मैंने आपको बताया कि निखिल जैन एक बिजनेसमैन है जो कोलकाता से हैं, और नुसरत जहां भी कोलकाता से हैं, लेकिन वो राजनीति में भी एक्टिव हैं, साथ ही साथ बॉलीवुड में भी एक्टिव हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर आपको जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। दरअसल निखिल जैन ने अपनी अभिनेत्री पत्नी व तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां के खिलाफ दीवानी मामला यानी सिविल सूट दायर किया, जिस पर जुलाई में सुनवाई होने वाली है। दरअसल निखिल ने खुद एक साक्षात्कार में इसकी जानकारी देते हुए कहा, जिस दिन मुझे पता चला कि नुसरत मेरे साथ नहीं रहना चाहती बल्कि वो किसी और के साथ रहना चाहती है, उसी दिन मैंने दीवानी मामला दायर किया। निखिल ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे भविष्य में नुसरत के साथ किसी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते। आखिर क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्यों कहा, आखिर क्यों मजबूर हुए कि वो रिश्ता तोड़ने पर आमादा हो गए, इन तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे। दरअसल गौरतलब है कि जून 2019 में दोनों ने विदेश में शादी की थी। सूत्रों के मुताबिक दोनों की शादी का अब तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, यानी शादी तो हुई लेकिन उसका कोई भी प्रमाणिक नहीं है। नुसरत पिछले 7 महीनों से पति से अलग बालीगंज स्थित अपने घर में रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे गर्भवती हैं और सितंबर में बच्चे को जन्म देने वाली है। दरअसल ये एक मामला है जिस मामले की वजह से निखिल जैन उनसे काफी नाराज हैं। एक तो दोनों अलग अलग रह रहे थे, साथ में अलग रहने के बावजूद नुसरत जहां अभी गर्भवती हैं, और इस पर उन्होंने निखिल जैन ने कहा कि ये बच्चा उनका नहीं है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर ये बच्चा है किसका, आखिर इस होने वाले बच्चे का पिता कौन है, इसका जवाब तो खुद नुसरत जहां ही दे सकती है। आइए जान लेते हैं आगे क्या कुछ है इसके अंदर। दरअसल नुसरत के टॉलीवुड अभिनेता यश दास गुप्ता के साथ अफेयर की खबरें काफी जोरों पर है। दोनों कुछ समय पहले साथ में जयपुर व अजमेर शरीफ गए थे, वहां दोनों की तस्वीरें इंटरनेट मीडिया पर खूब वायरल भी हुई थी। पता चला है कि दोनों का एक दूसरे के घर काफी आना जाना है। नुसरत के माता पिता के साथ भी यश के बेहद अच्छे संबंध बताए जाते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड से जुड़ी हुई खबरें हो या फिर किसी और मुद्दे पर हो, हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी भी दें जो आपके दैनिक जीवन में आपके काम आए, साथ साथ बच्चे भी सुने तो उनकी जो है जानकारी बढ़े। यानी हमारा अभियान खबर के साथ ज्ञान, हम बॉलीवुड की खबर तो देंगे ही, साथ में आपको दूसरी चीजों की भी खबरें देते हैं, चाहे वो साइंस से जुड़ी हुई हो या फिर किसी और मुद्दे से जुड़ी, राजनीति हो, क्रिकेट हो, अलग अलग मुद्दों पर हम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। अगर ऐसी ही न्यूज अपडेट आपको चाहिए तो जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए आगे बताते हैं इसमें और क्या खबर है। दरअसल दूसरी तरफ बांग्लादेश की विवादास्पद लेखिका तस्लीमा नसरीन ने इस पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा था कि नुसरत जहां और उनके पति निखिल जैन के संबंध अगर मधुर नहीं हैं तो उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। बेमतलब किसी संबंध में लटके रहना दोनों के लिए अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि नुसरत जहां ने 1 साल पहले निखिल जैन के साथ शादी की थी। नुसरत जहां और निखिल जैन ने पिछले साल
19 जून को तुर्की के बोद्रम में शादी की थी और उनकी शादी काफी सुर्खियों में भी रही थी। दोनों की शादी की कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। दोस्तों, नुसरत जहां आखिर कौन है, कहां से ताल्लुक रखती हैं, आखिर उनके पूरे जीवन का क्या कुछ मामला है, अगर निखिल जैन से शादी से लेकर उनके बाकी अफेयर के चर्चों में क्या कुछ है, इन तमाम बातों से आने वाले वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे। उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि कहां से उनका करियर शुरू हुआ और उनके व्यक्तिगत जीवन की और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी जानकारी मैं लेकर आऊँगा फिर से। लेकिन इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो या हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपने सुझाव भी हमें लिखकर भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।